बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दिस इज उस्मान मनीर एंड दिस क्लास नंबर 8। आई होप सो यू आर फाइन माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक होंगे आप। और आपके लिए आज जो मैं लेक्चर लेकर आ रहा हूँ वो है आपका लेसन नंबर 8, हॉकी। आई एम स्टार्टिंग योर हॉकी लेसन। और पिछले जो लेसन था हमारा, वी रेड रादर, तो उसके बेटा आपके क्वेश्चन आंसर रहते हैं, आई नो। तो उसकी अभी स्लाइड नहीं मैं बना सका था, तो ये दोनों स्लाइडें इकट्ठी बनाकर ना 8 और 9 की, एज सुन एज आई फिनिश चैप्टर नंबर 8, तो फिर मैं आप दोनों का आपको क्वेश्चन आंसर आपको करवा दूंगा। सो बात वही है, फिर से आपसे कहना है बेटा, इंटरेस्ट यू डिवेलप, वी हैव बिन मेकिंग वीडियोस फॉर यू। इसलिए नहीं बना रहे कि आप इसको देखें ना, आपके लिए बना रहे हैं, आप इसमें इंटरेस्ट डेवलप करें। तो जिस शौक से हम लेक्चर दे रहे हैं उसी शौक से आप देखिए। आई होप सो आप देखेंगे और गॉड ब्लेस यू। लेट्स स्टार्ट लेसन नंबर 8, हॉकी। तो बेटा इसके शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि हॉकी है क्या। हॉकी इज द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का नेशनल गेम कभी नहीं, आज भी यही है। वो लहदा बात है कि हमारा ध्यान इस पर नहीं है तो हम इसमें पिट गए। तो बात तो ये है कि हमारा नेशनल गेम हॉकी ही है। एक दौर था जब हम चैंपियन से इसमें चैंपियन ट्रॉफी भी जीते थे, वर्ल्ड कप भी जीते थे। हॉकी है क्या? हॉकी इज प्लेड बाय द टू टीम्स। मुझे बताने दीजिए, मैं चाहूँ तो फटाफट तर्जमे पे आऊँ और आपको समझाऊँ। नहीं, आप पहले समझिए हॉकी है क्या। प्लेड बाय द टू टीम्स, ईच कंसिस्ट ऑफ 16 प्लेयर्स। प्लेयर यूज हॉकी टू कंट्रोल एंड टू कंट्रोल द बॉल एंड पुट इट इन टू द अपोजिंग टीम्स गोल। गोल में डाल देते हैं। द मैच कंसिस्ट ऑफ टू पीरियड्स ऑफ 35 मिनट्स ईच। द टीम स्कोर्स मोर गोल इज द विनर। हॉकी दो टीमों के दरमियान खेली जाती है। हर टीम के 16 प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर बैठा ग्राउंड में होते हैं, 5 प्लेयर इंटरचेंज पे बैठे होते हैं। आप ड्यूरिंग मैच उनको चेंज कर सकते हैं। खिलाड़ी गेंद हासिल करने के लिए और उसे मुखालिफ टीम के गोल में डालने के लिए हॉकी का इस्तेमाल करते हैं। मैच 35 मिनट का, एक मैच के दो दौरानी होती हैं और एक दौरानिया 35 मिनट का होता है। और जो टीम ज्यादा गोल करती है वो फाते करार पाती है। और जो बच्चे ज्यादा अच्छे तरीके से सुनेंगे पढ़ेंगे वो फाते हो जाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस पैराग्राफ। दिस इज द पिक्चर ऑफ योर पाकिस्तान हॉकी टीम। दे हैव द फ्लैग्स इन फ्लैग ऑफ पाकिस्तान इन देयर हैंड्स। यस, वी लव पाकिस्तान हॉकी टीम। सो नाउ दिस इज द ट्रांसलेशन, पैराग्राफ नंबर 1। वी हैव हियर ट्रांसलेशन पैराग्राफ। लेट्स स्टार्ट ट्रांसलेशन पैराग्राफ। स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन आर फंडामेंटल To the early development of the children and youth, supports बच्चों, support खेल को कहते हैं और physical education बच्चों जिस्मानी तालीम को कहेंगे, physical जिस्मानी education तालीम। okay? Fundamental बुनियादी adjective हो गया, बुनियादी basics, early development इब्तदाई नशोनुमा, development growth को भी कहते हैं नशोनुमा, बढ़ोतरी early नशोनुमा, children बच्चे and youth नौजवान। okay? सपोर्ट खेल, फिजिकल जिस्मानी, एजुकेशन तालीम, फंडामेंटल बुनियादी एडजेक्टिव और अर्ली डेवलपमेंट एडजेक्टिव एंड नाउन। डेवलपमेंट नाउन नशोनुमा और अर्ली का मतलब इब्तदाई। खेल और जिस्मानी तालीम, खेल और जिस्मानी तालीम बच्चों और नौजवानों की इब्तदाई नशोनुमा में बुनियादी हैसियत रखती है। बेसिक मैंने कहा ना, अर्ली एजुकेशन इब्तदाई तालीम, बेसिक डेवलपमेंट इब्तदाई नशोनुमा में बुनियादी हैसियत रखती हैं, बुनियादी हैसियत रखती हैं। द स्किल्स लर्न फ्रॉम स्पोर्ट्स कंट्रीब्यूट टू द एंटायर डेवलपमेंट ऑफ द यंग पीपल। लेट्स कम टू द मीनिंग्स माय डियर स्टूडेंट्स। ध्यान, नोटबुक होना चाहिए आपके पास, पेंसिल होनी चाहिए और यू हैव टू बी मेंटली विद मी। ओके, यस, स्किल्स का मतलब महारतें, टेक्निक्स कह सकते हैं आप।
लर्न का मतलब सीखी गई, पास्ट टेंस में चले जाओ और ये वर्ब भी हो गया, कंट्रीब्यूट ये भी वर्ब हो गया, किरदार अदा करती हैं, टू प्ले देयर पार्ट, एंटायर का मतलब मुकम्मल कंप्लीट, और डेवलपमेंट का मतलब नशोनुमा। सो एंटायर डेवलपमेंट, मुकम्मल नशोनुमा और एडजेक्टिव प्लस नाउन। यंग पीपल नौजवान लोग। स्किल्स महारतें, लर्न सीखी गई, पास्ट टेंस वर्ब, सपोर्ट्स खेलें, कंट्रीब्यूट किरदार अदा करती हैं, ये भी वर्ब हो गया, एंटायर मुकम्मल कंप्लीट, डेवलपमेंट नशोनुमा और ग्रोथ। खेलों से जो महारतें सीखी जाती हैं वो नौजवान लोगों की मुकम्मल नशोनुमा में अपना किरदार अदा करती हैं। खेलों से जो महारतें सीखी जाती हैं वो नौजवान लोगों की मुकम्मल नशोनुमा में अपना किरदार अदा करती हैं। थ्रू पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स दे लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ की वैल्यूज सच एज ऑनेस्टी, टीम वर्क, फेयर प्ले, रिस्पेक्ट फॉर देमसेल्व्स एंड अदर्स एंड एडहेरेंस ऑफ रूल्स। अब इसके मीनिंग्स, पार्टिसिपेशन थ्रू का मतलब से, पार्टिसिपेशन शमूलियत नाउन, शमूलियत की वैल्यूज अहम इकदार, बेसिक वैल्यूज अहम इकदार, इंपॉर्टेंट वैल्यूज कह सकते हैं आप, की वैल्यूज, सच एज के बाद कॉलन लगा हुआ है ऊपर नीचे डॉट, इसका मतलब है वो की वैल्यूज कौन सी हैं, दे आर डिस्क्राइब्ड। ऑनेस्टी नंबर वन, और ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी, सच्चाई। टीम वर्क, टीम वर्क क्या इसका उर्दू कोई भी नहीं है, बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश के ऐसे हैं जिनकी उर्दू है ही नहीं, अगर उनकी उर्दू बनाए तो वो अपना चाम ही खो देते हैं। सो टीम वर्क ही रहने दें बेटा आप, टीम वर्क। फेयर प्ले, फेयर प्ले मुनसफाना खेल, फेयर प्ले, फेयर प्ले जस्ट प्ले मुनसफाना खेल। रिस्पेक्ट इज्जत को कहते हैं, रिस्पेक्ट इज्जत, ऑनर रिस्पेक्ट, ऑनर इज्जत, देमसेल्व्स अपने लिए, फॉर देमसेल्व्स अपने लिए, एंड अदर्स और दूसरों के लिए, एंड एडहेरेंस ऑफ रूल्स। एडहेरेंस का मतलब होता है पाबंदी, अबाइड बाय, रूल्स का मतलब असूल कवानीन, एडहेरेंस ऑफ रूल्स असूलों की पाबंदी, टू अबाइड बाय द रूल्स। ओके, लेट मी रिपीट अगेन द मीनिंग्स। थ्रू का मतलब से, पार्टिसिपेशन शमूलियत हो गया, सपोर्ट्स खेलें, लर्न अबाउट सीखते हैं, सीखते हैं, इंपॉर्टेंस अहमियत, की वैल्यूज अहम इकदार, बेसिक वैल्यूज इंपॉर्टेंट वैल्यूज, सच एज जैसा के, ऑनेस्टी ईमानदारी, टीम वर्क को टीम वर्क ही कह दें, फेयर प्ले साफ सुथरा खेल, मुनसफाना खेल, रिस्पेक्ट इज्जत, देमसेल्व्स फॉर देमसेल्व्स अपने लिए, एंड अदर्स दूसरों के लिए। एडहेरेंस का मतलब होता है पाबंदी, रूल्स का मतलब उसूल, उसूलों की पाबंदी, तो अबाइड बाय द रूल्स। खेलों में शमूलियत से, पार्टिसिपेशन शमूलियत, खेलों में शमूलियत से वो अहम इकदार की अहमियत, अहम इकदार की अहमियत, जैसा कि अब जैसा कि सच एज के आगे सब, ईमानदारी, टीम वर्क, मुनसफाना खेल, अपनी और दूसरों की इज्जत करना, रिस्पेक्ट फॉर देमसेल्व्स एंड अदर्स, अपनी और दूसरों की इज्जत और उसूलों की पाबंदी करना, एंड एडहेरेंस ऑफ रूल्स। एडहेरेंस का मतलब पाबंदी, अबाइड बाय, एडहेरेंस ऑफ रूल्स और उसूलों की पाबंदी करना। खेलों में शमूलियत से वो अहम इकदार की अहमियत, जैसा कि सच्चाई, टीम वर्क, मुनसफाना खेल, अपनी और दूसरों की इज्जत करना
और उसूलों की पाबंदी करना है। दैट इज इट फ्रॉम योर पैराग्राफ। मैंने इसको ग्रामेटिकली ट्रांसलेशन वाइज आई हैव गाइडेड यू पीपल, ये नीचे एक ब्लॉक सा बना हुआ है, ध्यान दें जरा। इसमें एक क्वेश्चन है जिसको भी साथ साथ कर लेते हैं। व्हाट आर द की वैल्यूज दैट यंग पीपल लर्न फ्रॉम स्पोर्ट्स, वो कौन सी अहम मकदार होती हैं जो नौजवान खेलों से सीखते हैं। इसी पैराग्राफ में जिसका जवाब पड़ा हुआ है, हम क्या सीखते हैं बेटा। पैराग्राफ जरा आपने ध्यान से अगर आपने पढ़ा है तो इसके एंड पे जरा देखें, दो तीन लाइनों में सारे लफ्ज लिखे हुए हैं। दिस इज द आंसर। अब इसको आप इस तरह स्टार्ट करें, दे से स्टार्ट कर लेना, दे से मुराद यंग पीपल ना। वो कह रहा है कि नौजवान कौन सी अहम इकदार हैं जो खेल 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 कर सीखते हैं। तो खेल खेल कर हम क्या सीखते हैं, हम ईमानदारी सीख लेते हैं, हम टीम वर्क सीख लेते हैं, हम फेयर प्ले सीख लेते हैं, अच्छा खेल सीख लेते हैं, अपनी और दूसरों की इज्जत करना सीख लेते हैं और उसूलों की पाबंदी सीख लेते हैं। तो सिंपल कर लें, दे लर्न ऑनेस्टी, जरूरी नहीं सारे लिख दें, दो तीन चार लिख दें बस। दे लर्न ऑनेस्टी, टीम वर्क, फेयर प्ले, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, रिस्पेक्ट फॉर देमसेल्व्स एंड अदर्स एंड एडहेरेंस ऑफ रूल्स। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप सो आप इसको लिखेंगे भी, इसको याद भी करेंगे और इसके साथ साथ जिस तरह हम मेहनत से आपके लिए काम कर रहे हैं, आप भी मेहनत से काम करेंगे और आई होप सो कि इसका फायदा आप ही को होने वाला है, आपकी असेसमेंट जो आने वाली उसमें मदद होगी। गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।